नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों को पकड़ने के लिए एसपी ने पुलिस टीम का किया गठन, कार्यालय में दी जानकारी। समर्थन मूल्य पर नहीं पहुंच रहे हैं किसान, नहीं हो पाई आज तक बोनी। न्याय संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ, अधिवक्ताओं ने निकाली रैली। शाहपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेपानगर में सीमेंट व्यापारी की यहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी ने पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। तो वही डॉग स्क्वाड की टीम भी क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कर रही है। बुरहानपुर एसपी ने नेपानगर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। सोमवार दोपहर 3 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि नेपानगर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। तो वही पुलिस टीमें लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पुलिस चोरों को पकड़ने की बात कर रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के घर पर दबिश देकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहां से करीब 10 तोला सोना और 1 लाख नगद चुरा कर ले गए और पति पत्नी को घायल कर दिया है। नेपानगर की जो एक संपत्ति संबंधी अपराध गंभीर घटना है, उस घटना के लिए मैं स्वयं भी मौके पर गया और पूरी डिटेल स्पॉट विजिट की गई है। पीड़ित और आसपास के लोगों से भी चर्चा की। हमारी पूरी टीम जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीओपी और क्राइम से जुड़ी हुई टीम जो साइबर की टीम है, डॉग स्क्वाड है, फिंगरप्रिंट की टीम और ग्राउंड लेवल से भी जो इंटेलिजेंस कलेक्शन, क्रिमिनल का इंटेलिजेंस कलेक्शन, सीसीटीवी, सारे एंगल्स के बहुत ही गंभीरता के साथ में हमारी पूरी टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उस घटना को एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और उसको ट्रेस कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 2 केंद्रों पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन दोनों केंद्रों पर एक भी किसान नहीं पहुंचे हैं, जिस कारण दोनों ही केंद्रों पर बोनी नहीं हो पाई है। रेणुका कृषि उपज मंडी में एमागिर्द समिति खरीदी कर रही है। बहादुरपुर मार्ग स्थित वेयर हाउस में सिरपुर समिति खरीदी कर रही है। बुरहानपुर के बहादुरपुर मार्ग स्थित समर्थन मूल्य केंद्र पर समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन आज तक एक भी किसान नहीं पहुंचा है, जिस कारण केंद्र पर बोनी भी नहीं हुई है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे तक भी बहादुरपुर मार्ग स्थित समर्थन मूल्य केंद्र पर एक भी किसान नहीं पहुंचा, जिस कारण केंद्र पर अभी तक भी बोनी नहीं हुई है। जबकि 25 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन आज तक एक भी किसान नहीं पहुंचा है। जिले में 1041 किसानों ने पंजीयन कराया है। अमागिर्द समिति के भी यही हाल बने हुए है। रेणुका कृषि उपज मंडी में समिति खरीदी कर रही है, तो यहाँ पर सिरपुर समिति द्वारा खरीदी की जा रही है। जिले में 2 सेंटर मिले हैं, एक सिरपुर और अमागिर्द। तुम्हारा क्या खरीदी, पंजीयन हुआ और क्या खरीदी शुरू? टोटल जिले में अपने यहाँ पर 1041 पंजीयन हुए। अभी तक कोई किसान? अभी स्लोट एक बुक हुआ आज, अभी तक किसान नहीं आए हैं। क्या मोस्टर लिया जा रहा है? मोस्टर 12 का। जिले में 1041 के लगभग किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें समर्थन मूल्य 4892 रुपये रखा गया है। 25 अक्टूबर से खरीदी चालू है। कब तक खरीदी होगी? ये 1 दिसंबर महीना रहेगा। कितने लोगों ने अभी सैंपल ला के दिए हैं? सैंपल तो अभी 15-1 लोगों के आए हुए हैं। जो मॉइस्चर के लिए आया, मॉइस्चर 12 के अंदर है अभी फिलहाल में। 12 के अंदर तो किसी का आया नहीं है। 12 के अंदर रहता तो फ्री होगा। हाँ, 12 के अंदर मॉइस्चर आ जाए, फिर उसके बाद में जो मापदंड है गवर्नमेंट के, दाल वगैरह, लकड़ी, तो ये सब भी देखा जाएगा उसमें। बुरहानपुर जिला न्यायालय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक जिले में कार्यक्रम होंगे। आज पहले दिन अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। बुरहानपुर जिला न्यायालय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। सोमवार सुबह 11 बजे जिला न्यायालय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। रैली के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किन स्थानों में लोगों को मदद की जाती है, इसके विस्तार से जानकारी दी गई। तो वही कानून के नियम भी बताए गए। 4 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा 9 नवंबर तक चलेगी, जिसमें रोज प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानून की सही जानकारी दी जाएगी। आज अधिवक्ताओं ने रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जिला न्यायालय पहुंचकर समाप्त हुई। इनके आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने बुरहानपुर के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये 4 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा।
इस प्रोग्राम के तहत सभी लोगों को जो विधिक सहायता प्राप्त हो सकती है या जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, उनके संबंध में एक लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना, लोगों को इस रैली के माध्यम से ये बताना कि विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या क्या अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, क्या दायित्व और क्या वो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, क्या लाभ आपको प्रदान कर सकते हैं, वो सब बताना था ताकि रैली निकली जहाँ जहाँ से लोगों को देखा, लोगों ने कि भाई ये रैली जा रही है, किस लिए जा रही है, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और इसमें सभी लोग शामिल हुए, तख्तिये भी लिए हुए थे, सभी चीज बैनर थे और जिससे लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, जागरूक हो रहे थे और जानकारी मिल रही थी। ये एक बहुत ही सक्षम डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी उतना लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए मदद के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये सब आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुँच सके ये जानकारी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, मदद ले सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। बुरहानपुर के शाहपुर में दीपावली के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ था। मेले के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर महाराष्ट्र के कलाकारों ने लावणी की प्रस्तुति दी। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बुरहानपुर शहर के शाहपुर में मेले का आयोजन हुआ, कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। सोमवार दोपहर 4 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो शाहपुर मेले का बताया जा रहा है, जहाँ पर मेला समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर मराठी कलाकारों ने लावणी की प्रस्तुति दी। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कलाकारों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। ये वीडियो रविवार रात 12 बजे का बताया जा रहा है। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के पास पटाखा बाजार लगा हुआ था, जहाँ पर दुकान हटते ही गंदगी फैलना शुरू हो गई है, चारों ओर पॉलीथीन नजर आ रही है। क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताकर सफाई हो इसकी मांग की है। बुरहानपुर के रेणुका बाजार में पटाखा बाजार लगा था, दुकान हटते ही गंदगी फैल गई है, सफाई नहीं होने पर लोगों ने विरोध जताया। सोमवार दोपहर 4 बजे रेणुका बाजार में गंदगी फैलने को लेकर लोगों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यहां पर पास में मंदिर है, ऐसे में गंदगी फैल रही है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। यहां पर पटाखा बाजार लगा था, चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। नगर निगम एक और पॉलीथिन मुक्त बुरहानपुर बनाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इन दुकानों पर पॉलीथिन दुकानदारों ने लोगों को दी और यहां पर दुकान लगाने के बाद पॉलीथिन फेंक कर चले गए, जिससे चारों ओर ये पॉलीथिन नजर आ रही है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने अफसरों से विकास कार्यों की जानकारी ली, लापरवाही बरतने वालों को फटकार लगाई, समय सीमा में विकास कार्य पूरा हो इसके निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। सोमवार दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर भव्य मित्तल ने सबसे पहले विकास कार्यों की जानकारी ली, इसके बाद बचे हुए निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे हो उसके निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाई, तो वही 10 नवंबर को धूलकोट में आयुष्मान शिविर का आयोजन होना है, जिसको लेकर अफसरों को तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।